ओके मैम। ओके फाइन फाइन, आई विल जस्ट डू। ओके मैम, ओके थैंक यू। वो वही कह रहे हैं अप्रूव करिए, कर दीजिए, फिर वही तो है कि बस शेफ छाया लिखेंगे, अपने आप में आ जाऊंगी। रुक जा, रिजल्ट आ रहे होते तू वेट क्यों नहीं करती? कहीं कोई स्पेलिंग गलत करती है या क्या करती है तू भी? गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग मधु जी। मधु जी, अब आप मुझे सुन रही हो ना? यस मैम। यस, ओके फाइन। तो आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, आज आपका सेकंड राउंड में कौन सी डिश लेके आ रही हो आप, और आपका मेन जो हीरो इंग्रेडिएंट्स कौन सा है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुरा कारा, आई एम फ्रॉम करनाल, एंड थैंक यू मोनिका फन फूड वेज ग्रुप, थैंक यू चाय शाह मैम, एंड माय मेन इंग्रेडिएंट इज बेसन। ओके, ग्राम फ्लोर। शुड आई स्टार्ट नाउ? या शुड आई स्टार्ट नाउ? या यू कैन ओके मैम, यू कैन स्टार्ट। ओके मैम, थैंक यू। या वेलकम। First of all, I will beat to make it fluffy. Besan, it should be fluffy. It's one kadori. Now I will add salt as per taste, coriander powder. Little bit refined. Pinch little bit cumin seeds. Now क्रस्ट कसूरी मेथी, नाउ आई विल ऐड ग्राइंडेड कोकोनट। और ग्रेटेड कोकोनट। Now, raisins, some raisins.
checking whether it is hot or not. मधु जी आपने डिश का नाम क्या बताया? मैम माय डिश इज बेसनी दही बड़े इन पीटू रायता। बेसनी दही बड़े, दही बड़े, यस मैम। ओके ओके। Yeah, I will now put it in the oil. मुझे यूं लग रहा है कि शायद आपका ऑयल अभी हीट नहीं हुआ है, पता नहीं मुझे। मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर जो हीट हमें करना चाहिए ना, जो फ्राई करने के लिए, उतना डिग्री पे वो सेल्सियस पे हीट नहीं हुआ है। No ma'am, I had already heated earlier, but then I switch it off now. Then I we will became late now. Then again I heating it. I switched it off earlier. They are rising now. Yeah. जी आप ना अभी कितने बजे आप कर पाओगे हमारे साथ? नहीं मैं मधु जी फोन पे हूँ एक। ओके हाँ तो ठीक है, आई विल कॉल बैक यू आफ्टर हाफ एन आवर। ओके फाल्गुनी। ओके आई शुड कंटिन्यू मैम। ओके
Now, I will fill chaat masala. In cream chili. Okay. Now make capsicum, things. चाट मसाला गीतांजलि उन्होंने फिल अप किया है. नो चाट मसाला. Now I will put these bhallas in water. Okay.
बाद में लेती हूँ। One more capsicum ring. Onion ring. Dipped in besan. I will mix 1 tablespoon beetroot paste, puree, and stir it. I had made this puree with little sugar, 1 teaspoon sugar. Now I will add into asparagus salt, red pepper powder, and little chaat masala. Chaat masala and stir it. Squeeze these
and put here. I will go. We took her, Radha. I will add Jira. Little bit chaat masala. Onion. This is boiled. Zee moong da, moong sabut. Now, this is homemade green chutney, coriander mint chutney. A little bit. Tomato ketchup. ये आप क्या रख रही हो मैम एडिबल फ्लावर तो ये एडिबल फ्लावर है यस मैम ओ एडिबल फ्लावर वहां पे है मिलते हैं यस मैम इन माय पॉट ओके गुड लिटिल बिट रेजिन ओके नाउ दिस इज ग्रेटेड जिंजर एंड बीटरूट ओके Grated ginger and beetroot. Thank you.
जी थोड़ा कैमरा को पीछे कीजिए, आई डिडंट सी यू मैम, आप मुझे विजिबल नहीं हो रही है ठीक से. मैम हियर, या ओके फाइन दैट्स गुड राइट मैम. नो नो या ओके ओके लुक नाइस. आप अपना बस एक अपना फेस के साथ एक मुझे पिक लेने दीजिए. आप बोलो ना कैमरा को थोड़ा पीछे कर, आप पीछे हो मुझे आपका. यस यस दैट इज परफेक्ट. अभी भी आपका फेस हाइड हो गया है मधु जी, आपका फेस नहीं दिख रहा है मुझे. नो मैम नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा और बस. यस नाइस परफेक्ट परफेक्ट गुड दैट्स गुड. सबसे पहले तो मधु जी मैं आपसे ये बात बोलना चाहती हूँ कि आपकी जो देश का नाम था देशनी दही बड़े इन बीटरूट रायता राइट. तो जहाँ तक एज अ शेफ मुझे नॉलेज है कि जो दही भल्ले दही बड़े लाइक जो भी हम बनाते हैं ना वो हम फ्लोर से डायरेक्टली नहीं बना पाते. आपने ग्राम फ्लोर को डायरेक्टली यूज किया. आप कोई दाल है चाहे वो मूंग की मोगर येलो वाली दाल ले लो, उड़द दाल ले लो, या आप कोई भी दाल को मिक्स करके या साबुत दाल को भिगो के उनको मिक्सी में पीस के आप कर सकते हो. ये इससे लाइक पकोड़े यस मैम पकोड़ा हो बट मैम आई हैड स्पीड डिप्ड इन वाटर देन स्पीड सो इट हैज बिकम भल्ला ना. Yes, I do agree, but ये आपने क्या किया ग्राम फ्लोर में पानी डाल के उनका बैटर बना के उनके पकोड़े बनाए, ओनियन रिंग्स डाल के ओनियन के पकोड़े बनाए, मिर्ची में चाट मसाला स्टफिंग करके उनके पकोड़े बनाए, कैप्सिकम एंड ऑनियन रिंग्स यस मैम एंड ग्रीन चिली यस. हम जब भी भल्ले या वड़े बनाते हैं ना तो हमें उनको हमको दाल को भिगो के करते ना तो एक क्रिस्पीनेस आती. आप सोचो ये पकोड़े जब हम उतारते हैं उनके बाद आप 10-15 मिनट ऐसे छोड़ दो तो वो अपने आप सौगी हो जाते हैं, और वाटर में डालने के बाद तो ज्यादा सौगी हो जाएंगे. क्या और मैं ओनली फॉर वन मिनट एंड इट विल बिकम जस्ट लाइक भल्ला मैम, जस्ट लाइक उड़द दाल भल्ला. I do agree, but जहाँ तक मुझे सेफ का नॉलेज है हम लोग इस तरह से उनको वड़े का नाम नहीं देते, हम पकोड़े का नाम दे सकते हैं. जब भी टाइट कंपटीशन होती है मधु जी तो हमें बहुत अलर्ट होके काम करना पड़ता है. क्या आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट राउंड में ले जाएगी? Yes, ma'am. I have tried this new version. It's up to you. आपका स्पिरिट बहुत अच्छा है. और एक बात मैं आपको यूं कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप जब भी कॉम्पिटिशन में करो तो दो प्लेटिंग का काम करो. अपने बहुत सारे पकौड़े फ्राई करने में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका काफी टाइम वेस्ट हो गया है. आप जब भी करते हो तो दो प्लेटिंग करो कि एक प्लेटिंग के समय शायद कोई चीज आपसे प्रॉपर नहीं हो जाए, बर्न हो गई कुछ हुआ तो आप दूसरा अरेंज कर सकते हो प्लेटिंग में. ओके और आपने जो कच्चा जो बीटरूट का पेस्ट शुगर के साथ डाला था कर्ड में उसकी जगह पे मुझे ऐसे लगता है कि आपने लिटिल बिट शुगर को कुक करके उस तरह से पेस्ट करके या आपने बीटरूट को थोड़ा बॉईल करके फिर पेस्ट करके डाला होता तो एक है. बॉईल किया है यस मैम, आई हैड बॉईल अर्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल बीटरूट देन आई हैड प्यूरीड इट. ओके फाइन बट आपने ऐसा मेंशन नहीं किया सो आई थॉट. ओह सॉरी सॉरी सो सॉरी मैम आई फॉरगॉट. ओके
और मधु जी आपको पहला ये पता है कि कितने सेल्सियस पे हमें ऑयल को हीट करके फिर फ्राई करना चाहिए? And at medium temperature. First of all, let it hot. Then I should, we should fry on medium. Yeah, but we have to heat the oil 200 to 250 degree Celsius. Then we will fry on inside the oil. Okay. Or simple. Sorry, ma'am. Your voice is blurred. Sorry, ma'am. I couldn't hear. Sorry, ma'am. Just okay. Hello, ma'am. Yes. Can you audible me? Yes, ma'am. जी मैम, काफी यहाँ पर नेट का ही है, शायद आपके वहाँ से आ रहा है. ओके, मैं फिलहाल इतना कहूँगी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सेकंड राउंड. माय ऑल बेस्ट विशेस विथ यू. ओके मधु जी, गुड लक एंड गुड बाय. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. ओके, वेलकम. थैंक यू. ओके ओके, बाय बाय.